जो जो हम लोग ने किया वो सब आपको बताएंगे जरूर। तो अल्लाह हाफिज। तो गाइस दादू एक महीने से बाहर गए थे तो मैं मिलने पाया, आज मैं जा रहा हूँ उनसे मिलने। दादू से मिलने जा रहे हैं ना? कितने महीने बाद मिलेंगे? एक महीने बाद है ना। चलो लिफ्ट दबा दिए, चलो रेडी कर, चलो चलो आओ, लिफ्ट आ गई है। क्या तेरे को पढ़ना था आज? मेरे को अब्बा जब्बा डब्बा। आज तुम्हारी पार्टी मजा मस्त हो गई ना? हाँ पार्टी को टीचर्स डे की हम लोग तो नाचे और अरमान भाई ने ना मुंह पे बाल पे हर जगह स्नो स्नो फेंक दिए, मतलब स्प्रे होता है ना। सुनाई थोड़ी सासू माँ की बिल्डिंग के सीधे को कितना अच्छा दिखता है डोंगरी पूरा चार नर मैं ऊपर ये निकाल रही हूँ बेटा, पूरा कचरा हो गया इसके अंदर, तो साफ करने का इसको भी धोनेगा। कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए ना घर में। हाँ ये तो सही बात है। तो ना साफ करने से नहीं होता है साफ, ये तो ऐसा करना पड़ता है। ऐसा अब हो गया ये साफ, जाला सब था निकल गया। मम्मी का फेवरेट है पता है तेरे को? हाँ मम्मी का फेवरेट है। अभी ये दोनों धुल गए। इसको भी सेव करना, देखो पीछे का गिरो ले तू। यस हो गया मेरा ये गाइस, ये गए तो मम्मी ने साफ फिल्टर लगा दिए, अच्छा लग रहा है ना? हाँ एक नंबर। तो आज बहुत अच्छा दिन है हमारे घर में, बहुत सारे लोग आने वाले हैं और आपको देखने मिलेगा कौन कौन आ रहे हैं। और मेरे को ये बच्चे ने बहुत परेशान किया हुआ है, देखो मैंने बोली थी कपड़ा चेंज करने आ रही थी, तूने कपड़ा क्यों नहीं चेंज किया बेटा? मम्मी तुमको मैं क्या बोली कपड़ा चेंज करो सब आने वाले, दो बोले पर मेरे को नहीं मालूम था कौन कौन आ रहा है, तो अभी बताना भी नहीं है ना, अभी सब कल देखेंगे ना कौन कौन आ रहा है। कपड़ा तो चेंज बता दो। नहीं बताऊंगी, कपड़ा बड़ा चेंज करो जब कोई आए, जब आएंगे ना जब तुम्हारे, हाँ तुम्हारे लिए सरप्राइज है ना बेटा, सरप्राइज होना चाहिए ना गाइस, सरप्राइज दे रखे तो मतलब क्या है बेटा। चलो फटाफट कपड़ा पहनो, मम्मा भी चेंज करती है कपड़ा, ठीक है? फिर डड्डू भी आने वाले, बहुत सारी धमाल होने वाली गाइस हमारे घर में, आप लोग देखते रहना है ना अली। चलिए हम लोग हो चुके हैं रेडी और अपना देखिए मेरे मेरा आउटफिट है, सलवार कमीज मैंने पहन लिया है और अली भी रेडी हो गया और ये देखो आके सो गए। अरे तेरे टी शर्ट का हाथ अस्तिन के पास देख कैसा फोल्ड किया हुआ, वो तो सही कर, ये साइड का वाइट वेट दिख रहा है ना, ये साइड का वाइट वेट का सही कर, हाँ ये सही कर। तो आप लोग अभी हो गए रेडी? ओ चलो उठो, सो क्या रहे अभी, सब आ रहे हो तुम सो रहे हो? कौन आ रहा है? अरे बहुत सारे लोग आने वाले, सब सरप्राइज है तुम्हारे लिए, तुम्हारे बेटे के लिए, सबके लिए सरप्राइज है। सबने मेरे को बोले सरप्राइज रखना, कोई बताना नहीं कि कौन कौन आ रहा है। सुबह भी एक घंटा सो जाता हूँ, तो सुबह जल्दी उठाओ और सुबह लेट सो जाओ, ऑफिस से थक गया हूँ मैं भी, एक दो घंटा सो जाता, जब कोई आएगा जब उठा देना। तुम्हारे को सोने का मतलब है तुम जब सोएंगे तो तुम उठेंगे नहीं, एक घंटा दो घंटे के बदले तुम चार पाँच घंटा सोएंगे और फिर तुम फिर रात भर जागेंगे, मेरे को मालूम है तुम्हारी आदत। इसी भी सैटरडे नाइट में जागता ही हूँ, कल संडे पूरा दिन सोता ही हूँ। सही है, तो तुम्हारी एक काम कर दो, तुम्हारी नींद भगाने का मेरे पास एक तरीका है, पता है क्या? मैं तुम्हारे लिए गरम गरम चाय लेके आती हूँ, टोस्ट लेती हूँ, चाय टोस्ट खाओ, तुम्हारी नींद एकदम से भाग जाएगी। जितना भी चाय टोस्ट खिला दो लेकिन नींद आ जा रही तो आ रही है। पानी डालू मुंह पर? पानी डालू ना, दो तीन बोतल लेकर आते अली, क्या बोलते हैं? हाँ पानी डालेंगे तो भी जाएगी, कोई भी नहीं सुने। हाँ आज रात को बहुत धमाल होने वाली है गाइस, आप लोग देखते रहना जरूर, हम लोग बहुत सारी चीजें करने वाले और एक से एक ब्लॉग आने वाला है, आप लोग देखते रहिएगा जरूर। गाइस अगर मैं सो गया ना आप लोग को मेरे मुंह पे पानी डालना पड़ेगा। तू तो सो के उठ चुका है, कितने बजे उठा है मालूम है? ओ हीरो छुट्टी दी इसकी आज, कितने बजे उठा है मालूम है तुम्हारे को? चार बजे उठा है तुम्हारा बेटा सो के, फिकाय का सोता। हाँ अभी रात भी, ये भी रात भर धमाल करने वाला है, सोता तो भी नहीं सोता, तभी मैं सोने जाता था, अब तो सो के तो फिर कहां से सोएगा, है ना? वही तो चीज है। चलो फिर अभी चाय लेके आती हूँ तुम्हारे लिए फटाफट, ठीक है? फटाफट में चाय पीता हूँ। हाँ और मैंने पता है मैंने तुमको एक चीज बताई ना, मैंने भटियारे को ऑर्डर दे दी हूँ खाने बनाने का, बहुत अच्छी डिश बन के आने वाली है। हलवा हलवा भी कुछ बोलेगा नहीं? हलवा नहीं बोली, बोल दू क्या अभी? हाँ बोल दो, हलवा बोल दो उसको। कौन सा हलवा बोलूं? मीठा हो जाएगा, हलवा मत बोलो, कुछ अच्छा सा गरम गरम मंगा के खिलाएंगे ना, वो चलेगा, कुछ मीठा मंगा के खिलाएंगे, मत बोलो। हाँ खाली बस खाना मंगा लो बस, पानीपुरी सब आ रहे लेट, तो पानीपुरी का खाना खाने का ही टाइम हो जाएगा, तो मैं हलवा बोलूँ नहीं बोलूँ? नहीं मत बोलो।
तुम जाके मैं तुम्हारे को बोलूंगी यहाँ से मार्केट से लेकर आ जाना गुलाब जामुन, वो लेके आ जाना ना गुलाब जामुन, लोग गरम गरम खाएंगे तो मजा आएगी। चलो फिर तो देखते रहिएगा गाइस जरूर। तो मगरिब हो चुकी है, अभी सब घर की लाइटें चालू करती हूँ फटाफट। हाँ हो गया उजाला, अब इधर की भी लाइट चालू करना है। यस अब लग रहा है घर सही। ये देखिए गाइस मैंने कितना अच्छा घर साफ करी हूँ, मस्त एकदम। तुम फिर तुम्हारा बैग फेंक देना आके, है ना? रखा था वो गिर गया तो मैं क्या करूँ? तुम्हारा रखना इतने अच्छा होता है ना कि वो रखने के बाद भी गिर जाती है चीजें, है ना? तो चलो पूरा घर भर साफ कर दियो सारे लोगों के लिए कि एकदम मस्त हो गया चकाचक मेरा घर। इसको बुलाया नहीं? हाँ इसको नहीं बुलाया, फोन करी उसको, बोल रहा कि हॉस्पिटल में पता नहीं कल से मैं उसको फोन कर रही हूँ। तो तुम दूसरा कोई कारपेंटर देख लो ना, उसको बुला लो। अभी बुला, अच्छा नहीं लग रहा है गाइस देखो ये कैसा इसकी कड़ी निकल गई है, ये खाली जोहान के लायक का है खाली झूला ये, क्योंकि कोई दूसरा बैठ रहा है तो गिर जा रहा है। बहुत इतना हेवी है झूला, इसको बराबर लगाना पड़ेगा। और मैं इसकी कड़ी भी लाई थी, चाय रख दिया है गरम करने के लिए। तो ये है आपकी चाय, कौन सी है? कोई भी ले लो, तुम्हारी भी है मेरी भी है। इसमें झूले पे बैठ मत, गिर जाएगा, जोहान के लायक का झूला है वो, समझा? तुमको मालूम है एक चीज, इसको पेंसिल का पूरा एक डब्बा पूरा खास ने वो कर दिया है। क्या? 10 दिन में पूरा एक बॉक्स पेंसिल इसने खराब किया है और लेके नहीं आया। क्या डायलॉग मानने वाले हो? हम लोग के टाइम पे हम लोग एक पेंसिल एक महीना चलाते थे, और आजकल के बच्चे देखो 10 पेंसिल का बॉक्स आता है। मोटे मोटे आते थे ना, अभी सुक्की आ गई है, सुक्की पेंसिल आ गई है। कोई सुक्की पेंसिल नहीं आई है, तुमको खाली पेंसिल वो करने का है ना, खाली घुमा घुमा के आने का है इसके लिए, समझे? बच्चों के आजकल के बच्चों को बोल ही नहीं सकते, बस इनको कुछ बोलो तो इनके पास जवाब रेडी रहता है ना? हाँ। तेरे पास तो हमेशा जवाब रेडी रहता है। हाँ। सही है ना? अब अभी से तेरे को पेंसिल क्या करूंगी मैं, मालूम है? अभी तेरे को पेंसिल कैसा दूंगी? हाँ नहीं, गले में नहीं बांधूंगी, पता है क्या करूंगी? क्या करूंगी अली पता है? पेंसिल मैंने एक पेंसिल को बीच में से तोड़ूंगी और इसको आधा आधा करके दूंगी पेंसिल, तो कम से कम एक बॉक्स कम से कम एक महीना तो चलेगा। हाँ दे दो तावीज जैसा ना, वही करना गले में पहनेगा वापस आ जाएगा, वही करना पड़ेगा अली तेरे साथ अभी। अरे स्केल भी लेकर आई, स्केल भी ऐसा बीच में से तोड़ दिया, और मैंने स्केल का बोली तो क्या बोलता है? मम्मी स्केल की जरूरत नहीं है, मोबाइल से मैं ऐसा लाइन खींच सकता हूँ। बताओ ऐसे बच्चे आजकल के दिमाग देखो इन लोग के पास कितना है। हाँ मोबाइल से खींच सकता हूँ, आईपैड से खींच सकता हूँ। स्कूल में तो नहीं लेके जा सकते मोबाइल? तो मैं टाल लेते जाऊंगा मैडम, छोटा तो इतना बुक को दूसरे बुक में लेते खींच लूंगा। क्या दिमाग है तेरा, वाह। देखे गाइस आजकल के बच्चों का दिमाग, यानी मोबाइल स्कूल में, मैं बोली उसको मोबाइल स्कूल में नहीं लेके जा सकते, तो इसका दिमाग देखो, एक एक बुक से दूसरी बुक पे लपेट के लाइन खींचेगा। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, सही है सही है। तो इसी के साथ ब्लॉग एंड करते हैं। मेरे चैनल को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, हिट द बेल आइकन, मैं तो आपको कर बोलो आई लव यू ऑल, और नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।